सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और इस टाइम लाइव अपने दर्शकों के जुड़ गया हूं एक बड़ी खबर के गल है जो कि हरियाणा के जीनता है। इस टाइम की जब बात करूं तो हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जड़ा एक्टिव संक्रमित का कोई केस ना हो, लेकिन जींद की बात करूं तो जींद बार बार बुरी खबर आने लग रही है। जींद में कुल संक्रमितों की संख्या 20 होगी क्योंकि 18 थी पहले, लेकिन दो और केस नए जुड़ गए इसमें। एक तो जो नासिक था आया था 7 महीने मोटरसाइकिल पर, महाराष्ट्र का आया था रसीदा गांव का, और एक शीमार मोहल्ला है नरवाना में उड़े सब्जी बेचने का काम करे है सब्जी वाला, जो सब्जी बेचने वाला है रेडी वाला, वो संक्रमित पाया गया। बहुत बड़ी चिंता की खबर है या। और जो 7 महीने नासिक तय मोटरसाइकिल पाया था वो उड़े स्वीपर का काम करे महाराष्ट्र में, दोनों के संक्रमण की घोषणा कर दी है स्वास्थ्य विभाग ने। और इसके गिले जींद में कुल संक्रमितों की संख्या 20 होगी, दिल दहलाने वाली एक बुरी खबर इसने कह सकता। लेकिन एक अच्छी खबर भी है इस दौरान, अच्छी खबर यह है 20 में तो 10 केस ठीक भी हो गए हैं, यानी कि 10 जो संक्रमित थे वह अपने कोरोना तय जंग जीत के स्वस्थ उत्तम स्वास्थ्य उनका हो गया, या एक ताज़ा अपडेट है। और इसके गले गले पूरा हरियाणा की आप बात करा तो मैंने जो ताज़ा आंकड़े इस टाइम नोट करे थे हरियाणा की बात करा तो कुल मिलाकर 788 केस संक्रमित जो थे कोरोना के हुए, दो और जोड़ दे तो 790 हो जाएंगे। इसमें तय जो एक्टिव केस रिकवर्ड हो गए जो कि कोरोना तय चपेट तक बाहर निकले हुए हो गए कुल 356, और एक्टिव केस रह गए 420 थे, दो यहीं बढ़ गए तो ये 422 हो गए एक्टिव। और बड़ी बात यह है कि भाई पिछले 24 घंटे के अंदर हरियाणा में 50 केस संक्रमण के कोरोना के आ लिए, और जब 14 दिनों की बात करें तो 412 केस कोरोना के आए हैं। गुड़गांव फरीदाबाद की बात करें तो ये सब तक ऊपर जगह बनाए हुए हैं, यानी कि कोरोना के संक्रमितों की संख्या का मामला में। और हरियाणा में इस टाइम जब बात करें एक और बड़ी बात यह है भी हरियाणा के पहले दो जिले जब उसकी रेवाड़ी की बात करा, महेंद्रगढ़ की बात करा, वो सुरक्षित जोन में थे, लेकिन उनमें भी संक्रमण पनप गया। एक भी जिला ऐसा नहीं है इस टाइम जो कि संक्रमण से बाहर हो। और अनिल विज जो अपने गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बार बार कहा था लॉकडाउन में छूट देना इस टाइम ठीक नहीं है। और कल मैं उनको एक प्रोग्राम न्यूज चैनल पर भी देख रहा था, उस टाइम भी उन पर जब सवाल पूछा गया भी जो ट्रेन चलाई जाने लग रही है या प्रवासी मजदूरों की बात कर लो या इसके अलग अलग जो श्रमिक आए हुए हैं इनकी जब बात करा तो इनका छोड़ने खातर बसों की और ट्रेन की जो व्यवस्था करी जाने लग रही है प्रदेश सरकारों द्वारा, तो उस तय आप कितना सहमत हो। तो उसने लेकर अनिल विज ने फिर कहा था भाई मैं अभी भी ट्रेन चलाने का हक में नहीं हूँ। हाँ यह बात अलग है कि भी जो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं श्रमिक उनको भी ठिकाने पर पहुँचना जरूरी है, उनका भी घर पहुँचना जरूरी है। तो यह एक बड़ी खबर थी। कुछ और नए आंकड़े दूंगा जो तुमने मतलब इस तरह के आंकड़े जो किसी ने नहीं दिए होंगे। सर्विलांस की आप बात करें जो टोटल अपने सर्विलांस पर जो सैंपल जो भेजे गए थे 62,377 सैंपल गए थे, जिनमें तो नोट करते रहे हो भाई खाते टैग 23,805 की बात करें तो उनका सर्विलांस का टाइम पूरा भी हो लिया है। 13,787 लोग अभी भी सर्विलांस पे हैं, और भाई फोन ना करो इस नंबर पर फोन ना करो मेरे पर कोई भी। इसके गले गले बात करें तो जो नेगेटिव आए हैं सैंपल 56,440 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जो कि संक्रमण का या फिर जो लक्ष्य सिम्टम का आधार पर जिनको उसमें कराया गया था आइसोलेट कराया गया था या फिर जिनके चेकअप हुए थे जिनका डाउट था तो वो इतने सैंपल लिए गए थे, और 56,440 जो सैंपलों में नेगेटिव आए हैं बहुत बड़ी खुशी की बात है। 784 की पुष्टि हुई इनमें थे संक्रमण की, और 5,157 का भी इंतजार है। तो हम तो भगवान तक यह प्रार्थना कर रहा हूँ भाई जो भी सैंपल आवे जितनी भी रिपोर्ट आवे सबकी नेगेटिव आवे ताकि अपना हरियाणा सुरक्षित रहे सेफ रहे। हर प्रदेश की जिम्मेवारी है भाई अपने आसपास के लोगों ने सावधान करो सजग करो, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताओ, मास्क के बारे में बताओ, सैनिटाइजर के बारे में बताओ, सावधानी के बारे में बताओ, चौकसाई के बारे में बताओ, हैं नहीं तो मार पाछे पुकार कौन भाई। यह बात सावधानी रखने की है। और ताज़ा खबर यह आई थी इस टाइम भाई दो केस नरवाणा आए गए जो इस टाइम लेट मेरे गल जब लाइव जुड़े हों तो उन तो बता दूँ दो केस नरवाणा नए आए गए
जींद ईस्टम ओट सपोर्ट में हो गया, रेड सपोर्ट में हो गया। जींद में लगातार संक्रमण की, जो कोरोना संक्रमित है उनकी संख्या बढ़ती जाने लग रही है। 20 कुल संक्रमण की चपेट में लिए, 10 उसमें तो ठीक हो गए, लेकिन 2 केस ताजे जो मिले हैं, एक तो सीमार मोहल्ला है नरवाना के अंदर, और तो सब्जी विक्रेता संक्रमित पाया गया है। दूसरा केस नासिक तय महाराष्ट्र तय जो आया मोटरसाइकिल पर 7 महीने, उस बंदा का भी सक्का दार पर जब चेकअप हुआ तो उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो कि उड़े स्वीपर का काम करे है उसके, और गांव उसका रसीदा है, तो उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएगी। 2 केस नए आए हैं, तो यह बड़ी खबर लेकर मैं आता तार तक। और भाई इस वीडियो ने जिला के शेयर कर दियो ताकि ताज़ा अपडेट अपने मिलती रहे। और सब तक एक और दोबारा प्रार्थना है भाई, अपनी आया ला छोड़ो और इस नमस्ते पे आ जाओ, दोबारा बैक टू द रूट जड़ों से जुड़ो अपने, कम से कम इस कोरोना तय अपनी या नमस्ते तो वापिस आ गई। सावधानी भी रखो, चौकस भी रहो, नुकार सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक दूसरा ने सजग करते रहो, सचेत करते रहो। और जो लॉकडाउन 4 है उसकी घोषणा भी होने वाली है, मोदी जी ने जो उद्बोधन दिया कल उसमें बताया भी दिया 20 लाख करोड़ की एक मतलब राहत पैकेज पूरे देश को समर्पित कराया है, उसके बारे में आज विस्तार तय जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार उन निर्मला सीतारमण उनने बताया भी दिया है भाई किस किस तरीका था इसका, इस राहत पैकेज का प्रयोग होगा, कड़े कड़े इसका प्रयोग कराया जाएगा। दूसरी बात इसके गल्ला गल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण में खूब भी रही है, या इस विषय से हटके थोड़ी वह खूब भी यह है कि भी स्वदेशी चीज़ों का, लोकल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करने की तरफ इशारा प्रधानमंत्री मोदी ने कराया, इशारा के बल्कि एक किस्म तक अपील करी है देशवासियों तक भाई आप स्वदेशी अपनाओ, इसके कई फायदे होंगे। जो मेरे समझ में आई है बात, स्वदेशी अपनाने का एक फायदा है भाई, जो अपना देश का पीछा वो अपने देश का काम आओगे, या भी बहुत बड़ी एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचोगे तो बहुत अच्छी उपलब्धि उसके है, क्योंकि जब आप ग्लोबल लेवल के जो प्रोडक्ट हैं उन आप प्रयोग करांगे, ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करांगे, तो उसकी जो टर्नओवर है, उसका जो रेवेन्यू है वो विदेशी कंपनियां जाओगा, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत होने की बजाय बिगड़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी किनकी, उनकी जिनके में प्रोडक्ट हैं। इसलिए अपन भी यह संकल्प ले लेना चाहिए जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, मतलब भारत के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, अपने जो लोकल प्रोडक्ट हैं उस पर विश्वास दिखाओ, मतलब लोकल पर वोकल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान कराया है देशवासियों का। अपने इन बातों में ध्यान भी देना चाहिए ताकि अपनी जो आर्थिक स्थिति है, अपनी जो जीडीपी है और जो अपना जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो मजबूत बन सके। इस ताज़ा अपडेट के लिए मैं दर्शकों के जुड़ा था, सारे भाई बहनों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा। ठोको शेयर भाई, शेयर करते रहिए, जो वीडियो बाद में देखेंगे सारे भाई शेयर करते रहिए, जिला के शेयरिंग का धुआं बिठा दियो, शेयरिंग का रखाना बिठा दियो, शेयरिंग का जाम बिठा दियो, शेयरिंग का लठ गाड़ दियो, शेयरिंग का उदमस तैर दियो, शेयरिंग का तैर दियो फतूर, ताकि कोरोना जैसी समस्या तय आप सब मिलकर उसका दूर कर दो।